अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, आई एम जूबी खान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा, हमने आज टोनर बनाना है। DIY होममेड हमने टोनर रेडी कर लेना है सिर्फ दो चीज़ों के साथ, और इतना बेस्ट होता है ये समर के लिए बहुत ज़्यादा, और ऑल टाइप स्किन, मतलब हर टाइप की स्किन पर ये चलेगा। सो हमने ये रेडी कर लेना है। चले तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। हमें चाहिए इसके लिए दो चीज़ें, सिर्फ रोज़ वाटर ले लेना है हमने, और खीरा क्यूकम्बर। इसका टोनर बहुत बेस्ट होता है, और हमने ऐसी छोटी स्प्रे बोतल के अंदर इसे सेव कर लेना है। आप इसको फ्रिज में आराम से 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हमने क्यूकम्बर लिया है, खीरा ले लेना है आपने, उसको छिलका नहीं उतारना, पील ऑफ नहीं करिएगा आप, अच्छे से इसे वॉश कर लीजिएगा बस। और इसे इस तरह से कद्दूकश के ज़रिए आपने अच्छी तरह से इसे पूरा फ्रेश जूस इसका लेना है। हमने फ्रेश इसको यूज़ करना है, तो हमने इस तरह से हाथ के हाथ ही हमने इसको बनाना है। सो हमने अच्छी तरह से इसको पूरा कद्दूकश किया, और हमने इसे हम इसे पीस भी सकते हैं, आप ब्लेंडर में इसको डालकर पीस भी सकते हैं। इसके पीसीस बनाकर आप इसे वो भी उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये मेथड इजी लगता है। मैं इस तरह से रेडी करके रखती हूँ, तो मैंने यही मेथड आपके साथ शेयर किया है। सो ये खीरे का तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्यूकम्बर हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है, ग्लोइंग के लिए, स्पॉट्स के लिए, जो हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं उनके लिए, हर तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो इसे अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा कलर डिफरेंस हो जाता है, मतलब ब्राइटनिंग होती है, स्किन टाइटनिंग होती है, ग्लो आता है स्किन पर, यंगर लुक आता है स्किन पर। सो प्लीज़ इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से देखें, मैंने हाथ से भी आपको करके दिखा दिया कि मैं हाथ से भी इस तरह से हम इसका फ्रेश जूस ले सकते हैं, और हमने जो छन्नी है जो हमारी, जो हम उसके ज़रिए छान कर भी, मैं आपको तरीका समझा रही हूँ कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सो ये सारा जब मैंने निकाल लिया, इसके बाद मैंने इसे अच्छे से, मैंने तमाम जो है वो एक साइड करके निकाल के जूस को साइड कर लेना है। ठीक है, जूस मेरे पास रेडी है। देन हमने आगे जो स्टेप करना है वो क्या है, हमारी स्प्रे बॉटल होनी चाहिए, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। सो आपने ये लेना है, और इसके अंदर हाफ बॉटल आपने रोज़ वाटर ले लेना है। सही है, मैंने ये देखें हाफ बॉटल में लिया है, ज़्यादा नहीं भरिएगा क्योंकि हमने क्यूकम्बर जूस भी डालना है, तो वो लेवल होना चाहिए, हाफ हो ये रोज़ वाटर तो हाफ ही हमने क्यूकम्बर जूस लेना है। सो मैंने इस जूस को रोज़ वाटर के साथ कन्वर्ट कर देना है, और ये मेरा टोनर जो है बेस्ट वाला टोनर, बिल्कुल बेस्ट वाला, वो रेडी हो चुका है। सो देखें आप इसका कलर देख लें, कितना फ्रेश है ना, इसका कलर देखकर ही दिल चाहता है कि बंदा इसे यूज़ करे। सो आप इसे यूज़ करने का तरीका, आप में दिन में आप 3 बार 4 बार इस तरह से इसे शेक करें, फ्रिज से निकालें, और अपनी स्किन पर अप्लाई कर दें, स्प्रे कर दें, देन इसे छोड़ दें, ड्राई होने दें। और जिन्हें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है स्किन पर, तो वो इसकी क्यूब्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप उसे धीमे रख दें डीप फ्रीज़र में, और वो यूज़ कर लें। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।